वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा जरनैल सिंह जी, कौन नहीं जानता इन्हों, हर सिख के दिल के अज उन्हों का प्रेम ठाठा मारदा है, जिन्हों गुरमुखा ने संत बाबा जरनैल सिंह जी की हजूरी का निघ माणिया है। उन्होंने गुरमुखा का अक्सर यह कहना हुंदा है, अज बहुते सिख संतां नूं केवल तो केवल एक वीर असी नितड़क आदमी करके ही जानते हैं, पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे वांग ही अकाल पुरख जी दे प्यारे संत सिपाही संत बाबा जरनैल सिंह जी वर्गे गुरसिख रब दे वांग ही असीम हन। जिमें वाहिगुरु जी नूं कोई समझ नहीं सकता, उसे तरह ऐसे महापुरश नूं समझना भी औखा है। तो ऐसे महापुरश उह जाणदे हुंदे ने जो दुनियावी व्यक्ति सोच तक नहीं सकता। ऐसे सतपुरखां नूं सृष्टि ते की वापरिया सी, की हो रहा है, की अगां होवेगा, उस बारे सुत्ते सिद्ध ही पता हुंदा है। तो एक ऐसी ही घटना संत बाबा जरनैल सिंह जी दे जीवन दी है, जिस तों इह पता चलदा है कि खालसा एक ना एक दिन तां दिल्ली फतेह करके पहलां दी वांग ही लाल किले ते खालसाई निशान चुलावेगा। तो खालसाई निशान चलाउण भी संत बाबा जरनैल सिंह जी वर्गियां ही पाक रूहां इस धरती दे उपर मुड़ आउणगियां। यह सारी घटना 5 जनवरी 1982 की है। इस दिन संत बाबा जरनैल सिंह जी अमृत वेले गुरद्वारा श्री बंगला साहिब जथे दे सिंघां समेत मत्था टेकदे ने, ते इस तों बाद संत जी सिंघां समेत श्री सीसगंज साहिब दे दर्शन दीदारे करन वास्ते चाले पाउंदे ने। तो रास्ते दे विच जांदियां लाल बत्तियां दे कारण गड्डियां रुकियां होईयां सन, ते संत बाबा जरनैल सिंह जी उस समय जथे दी मिनी बस दे विच सवार सन। ते बस विच 15 सिंह सवार सन, जिन्हां विच सरदार तेजवंत सिंह, सरदार जगीर सिंह धीरा पत्रा आदिक सिंह हाजिर सन। ते उस समय संत बाबा जरनैल सिंह जी ने सुभाविक ही भाई जगीर सिंह धीरा पत्रा नूं पुछिया कि दसदे हन कि लाल किला जामा मस्जिद दे नेड़े ही है। तां भाई जगीर सिंह उस समय मिनी बस विच सवार सारे सिंघां नूं संबोधित करके कहण लगे कि सिंघो, संतां दी गल सुणो भाई। ते उस समय बस विच सवार सारे सिंह एकदम सुचेत होए ते संत जरनैल सिंह जी वल वेखण लग पए। ते उस समय फिर तो भाई जगीर सिंह ने सिंघां नूं संबोधित कीता ते कहा कि सिंघो, संत पुछ रहे ने कि लाल किला कित्थे है। तो भाई तेजवंत सिंह जी ने आख्या कि आ सज्जे पासे संत जी लाल किला ही है। तो उस समय संतां ने अपनी बाज अख दे नाल बारी दे शीशे विच दी उधर नूं टकिया, ते संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने सुभाविक ही बचन कीता, अच्छा यह लाल किला है। तो इस दे नाल ही सिंघां वल वेख के कहण लगे, सिंघो, इसे ही लाल किले ते केसरी निशान साहिब चलाउणा है खालसे ने, क्यों ना हुणे चला चलीए, क्योंकि फिर भी तां चलाउण आउणा ही है। तो संत जी इस तों बाद कहण लगे थोड़ा जिहा मुस्कुरा के कि सिंघो, बोलदे क्यों नहीं। ते इस तों अगे जो संतां ने अगे कहा उसके पिछे भी कोई महापुरखां दी रमज है, ते जो हैरान कर देन वाला भी है। संतां दी उपरोक्त गल सुनन तों बाद भाई जगीर सिंह ने कहा कि संत जी, इस गल दा उत्तर देना साडी समझ तों तां बाहर है, आप जी जिवें ठीक समझो असी आप जी दे हुक्म दे विच हाँ। ते इन्ने समय नूं उधर हरी बत्ती जगी ते गड्डियां चल पईआं। तो उस समय संत जी ने जो बचन किए सन सारे सिंह संत जी वल गंभीरता दे नाल वेख रहे सन। संत ने फिर वो बचन कहे जो सानू सारियां नूं तसल्ली देने वाले ने। संत जी ने आख्या कि सिंघो, दुनिया इस लाल किले के उपर केसरी निशान झुलदे वेखेगी। सो खालसे दे राज दा डांका इस दुनिया दे विच बज के रहेगा। अकाल अकाल दियां गूंजां इस दुनिया दे विच एक ना एक दिन गूंजणगियां। जिवें गुरु नानक देव जी महाराज भी कह गए ने काजी रुकंगदीन नूं कि दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर झलेगा शीस पर, बड़ी करेगी मौज। पातशाह गुरु नानक देव जी ने काजी नूं आख्या सी, नीला बाणा पहर के अवर न दिसै कोए, सुनो काजी रुकंगदीन, सिंह करेंगे राज मलेश शेख, खप जाएंगे पीर मुरीद सुहाब,
ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲ ਧਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਸਭ ਖੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।